हेलो भाई, मैं वंकित। अप्रैल का महीना फाइनली खत्म हो चुका है। अप्रैल के महीने में बहुत ही अच्छा खासा सेल हुआ है सारी गाड़ियों का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स के बारे में जानने वाले हैं अप्रैल महीने की। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो 25 नंबर पे आइए भाई, टाटा की अल्ट्रोज। ये एक प्रीमियम हैचबैक है भाई। इसकी अप्रैल में 5,812 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में। ये गाड़ी आपको 7,76,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 12,72,000 रुपए तक मिल जाती है नॉर्मल वाली। ये कार आपको पेट्रोल इंजन के साथ भी मिल जाती है, डीजल इंजन के साथ भी मिल जाती है, इवन टर्बो भी लेना चाहते हो पेट्रोल में वो भी मिल जाता है, और सीएनजी भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही गाड़ी सोने पे सुहागा बन जाती है। बाकी 24 नंबर पे आई है हाई राइडर। ये टोयोटा की प्रोडक्ट है। वैसे देखो तो भाई मारुति का ही प्रोडक्ट है, बस रिवाइज करके टोयोटा वाले बेच रहे हैं। इसकी 5,993 यूनिट बिकी है अप्रैल में। ये आपको 13,12,000 रुपए से शुरू होकर 24,02,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको हाइब्रिड भी मिल जाता है, प्लस में पेट्रोल भी मिल जाता है, इवन सीएनजी भी मिल जाता है। रही बात ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। बाकी 23 नंबर पे आइए थार। इसकी भाई 6,132 यूनिट बिकी अप्रैल में। थार का काफी अच्छा सेल हुआ है भाई। अगर देखा जाए तो थार का नया मॉडल आने वाला है, फिर भी इसके सेल्स में बिल्कुल भी गिरावट नहीं है। ये आपको 13,24,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 21,18,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाती है, इवन 4x2, 4x4 सब चीज मिल जाता है। बाकी 22 नंबर पे आइए XUV 700। ये एक 7 सीटर कार है भाई। इसकी 6,747 यूनिट बिकी अप्रैल में। ये कार आपको 16,61,000 रुपए से शुरू होकर 32,23,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है। बाकी 21 नंबर पे आई है टाटा की टियागो। ये एंट्री लेवल हैचबैक है भाई। इसकी 6,905 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में अप्रैल में। ये कार आपको 6,63,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 10,44,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है, इवन इलेक्ट्रिक में भी लेना चाहते हो तो मिल जाती है। इलेक्ट्रिक वाले का प्राइस अलग है भाई। इलेक्ट्रिक वाला लेना चाहते हो तो 9,13,000 रुपए से शुरू होकर 13,78,000 रुपए तक मिल जाती है। बाकी बात करें अगली गाड़ी की, तो 20 नंबर पे आई है हुंडई एक्स्टर माइक्रो एसयूवी। इसकी भाई 8,340 यूनिट बिकी है, मतलब 8,340 यूनिट बिकी है अप्रैल में। ये आपको 7,17,000 रुपए से शुरू होकर 12,12,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी भी मिल जाता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। बाकी 19 नंबर पे आई है किया सेल्टोस। इसकी भाई 8,514 यूनिट बिकी है अप्रैल में। ये कार आपको 12,84,000 रुपए से शुरू होकर 24,12,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है, इवन IMT भी मिल जाता है। बाकी 18 नंबर पे आई है किया सोनेट। इसकी भाई 8,919 यूनिट बिकी है अप्रैल में। ये कार आपको 9,36,000 रुपए से शुरू होकर 18,80,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें भी आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है, इवन IMT भी मिल जाता है सेल्टोस की तरह। बाकी 17 नंबर पे आई है वेन्यू। ये सफोमेटर SUV है भाई। इसकी 9,751 यूनिट बिकी अप्रैल में। ये कार आपको 9,31,000 रुपए से शुरू होकर 15,77,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें भी आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है, इवन इसमें इनलाइन वाला भी मॉडल आता है भाई। वो आपको 14,13,000 रुपए से शुरू होकर 16,23,000 रुपए तक मिल जाती है। उसमें बस आपको पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ऑटोमेटिक के साथ, इनलाइन वाले में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दे रखा है हुंडई वालों ने। बाकी 16 नंबर पे है इनोवा। यहाँ पे मैं आपको इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस दोनों का सेल्स बताऊंगा। दोनों कंबाइन 9,972 यूनिट बिकी है अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप इनोवा क्रिस्टा लेना चाहते हो तो 23,99,000 रुपए से शुरू होकर 31,42,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। वहीं हाईक्रॉस लेना चाहते हो तो वो 23,73,000 रुपए से शुरू होकर वो आपको 37,06,000 रुपए तक मिल जाती है। क्रिस्टा में आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, वहीं अगर आप हाईक्रॉस लेते हो तो वहां पे पेट्रोल इंजन मिलता है, प्लस में हाइब्रिड भी मिल जाता है ओनली ऑटोमेटिक के साथ, मैनुअल नहीं मिलता। बाकी 15 नंबर पे आई है ऑल्टो K10। इसकी भाई 9,997 यूनिट बिकी है अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। ये कार आपको 4,67,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 6,92,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन में मिल जाता है, सीएनजी भी मिल जाता है, रही बात ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। बाकी 14th नंबर या फिर 14 नंबर पे आइए कह सकते हो महिंद्रा की बोलेरो सीरीज। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों कंबाइन 10,714 यूनिट बिकी है अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। बोलेरो अगर आप नॉर्मल लेते हो तो 10,58,000 रुपए से शुरू होकर 12,85,000 रुपए तक मिल जाती है। वहीं अगर आप बोलेरो नियो लेते हो तो वो 11,58,000 रुपए से शुरू होकर 14,29,000 रुपए तक मिल जाती है। बोलेरो नियो लो या फिर बोलेरो क्लासिक लो, दोनों में आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, ऑटोमेटिक वगैरह देखने को नहीं मिलता। बाकी 13 नंबर पे आइए मारुति सुजुकी की इको। इसकी भाई
11,907 यूनिट बिकी है अप्रैल के महीने में ऑल ओवर इंडिया में। ये कार आपको 6,25,000 रुपए से शुरू होकर 7,68,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें भी आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, हालांकि सीएनजी में भी ले सकते हो। रही बात ट्रांसमिशन की, तो ओनली मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक मारुति वालों ने निकाल ही नहीं रखा है। बाकी 12 नंबर पे आइए ग्रैंड विटारा, इसकी भाई 12,311 यूनिट बिकी है अप्रैल में। ये कार आपको 12,94,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन हाइब्रिड भी मिल जाता है, रही बात ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिल जाती है, लेकिन डीजल इंजन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। बाकी 11 नंबर पे आई है नेक्सॉन, इसकी भाई 13,954 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। ये कार 9,58,000 रुपए से शुरू होकर 18,86,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड है। नॉर्मल वाला लेते हो तो पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला लेते हो तो वो 16,76,000 रुपए से शुरू होकर 22,98,000 रुपए तक मिल जाती है। वहां पे आपको 325 किलोमीटर से लेकर 465 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है। बाकी अब आते हैं टॉप 10 में, 10 नंबर पे आई है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, इसकी भाई 14,049 यूनिट बिकी है अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। ये आपको 8,82,000 रुपए से शुरू होकर 15,33,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल सीएनजी मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है। बाकी 9 नंबर पे है ब्रेजा, इसकी भाई 14,516 यूनिट बिकी है। ये कार आपको 9,79,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 16,58,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें भी आपको फ्रॉन्क्स की तरह ही पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी भी मिल जाता है, ट्रांसमिशन की बात करते हो तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिल जाता है। बाकी 8वें नंबर पे आई है अल्टिगा, मारुति की प्रोडक्ट है ये भी, इसकी 14,928 यूनिट बिकी है अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। ये कार आपको 10,19,000 रुपए से शुरू होकर 15,30,000 रुपए तक मिल जाती है। ये फैमिली के लिए काफ़ी परफेक्ट गाड़ी है भाई। इसमें भी आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी के साथ भी मिल जाता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ है। बाकी 7वें नंबर पे आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इसकी भाई 15,310 यूनिट बिकी है अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। ये आपको 7,30,000 रुपए से शुरू होकर 10,87,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी के साथ भी मिल जाता है, रही बात ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिल जाता है। स्विफ्ट का नया मॉडल जल्दी लॉन्च होने वाला है भाई, कंपनी ने ऑफिशियली बता दिया और बुकिंग भी ओपन कर दिया है। बाकी 6th नंबर पे आई है स्कॉर्पियो सीरीज महिंद्रा की, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं भाई, दोनों कंबाइन 15,794 यूनिट बिकी अप्रैल में ऑल ओवर इंडिया में। क्या बात है, अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हो तो 16,14,000 रुपए से शुरू होकर 20,88,000 रुपए तक मिल जाती है। उसमें आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ। वहीं अगर आप स्कॉर्पियो एन लेते हो तो वो 16,16,000 रुपए से शुरू होकर 19,35,000 रुपए तक मिल जाती है। वहां पे आपको पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज मिलता है। बाकी 5th नंबर पे या फिर 5वें नंबर पे आई है मारुति सुजुकी डिजायर, ये एक सेडान कार है भाई, इसकी भाई 16,117 यूनिट बिकी अप्रैल में। ये कार आपको 7,66,000 रुपए से शुरू होकर 10,99,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें भी आपको पेट्रोल सीएनजी मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है। बाकी 4th नंबर पे या फिर 4th नंबर पे बलिनो, इसकी भाई 16,570 यूनिट बिकी अप्रैल में। ये आपको 7,77,000 रुपए से शुरू होकर 11,56,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें भी आपको पेट्रोल सीएनजी मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है। बाकी 3rd नंबर पे आई है क्रेटा, इसकी भाई 16,749 यूनिट बिकी है अप्रैल के महीने में ऑल ओवर इंडिया में। ये कार आपको 12,95,000 रुपए से शुरू होकर 23,97,000 रुपए तक मिल जाती है नॉर्मल वाली। वहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। वहीं अगर आप इसमें एन लाइन लेते हो तो वो 20,06,000 रुपए से शुरू होकर 24,32,000 रुपए तक मिल जाती है। वहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल इंजन नहीं मिलता, हालांकि ट्रांसमिशन के तौर पर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। बाकी 2rd नंबर पे आई है पंच, ये एक माइक्रो एसयूवी है भाई, इसकी 17,904 यूनिट बिकी अप्रैल में। बाप रे बाप, ये आपको 7,17,000 रुपए से शुरू होकर 12,03,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी भी मिल जाता है, डीजल नहीं देखने को मिलता है, हालांकि ट्रांसमिशन के तौर पे मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। वहीं पंच में कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाला भी मॉडल लॉन्च कर दिया है भाई, वो आपको 12,75,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 18,32,000 रुपए तक मिल जाती है। इलेक्ट्रिक वाले में आपको 315 किलोमीटर से लेकर 421 किलोमीटर का रेंज मिलता है, कंपनी क्लेम्ड। बाकी बात करें अगली गाड़ी की, तो नंबर 1 पे आई है हमेशा की तरह वैगनार, इसकी भाई 18,107 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में अप्रैल में। ये कार आपको 6,45,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 8,66,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल सीएनजी मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाता है। वैगनार को तो कोई बीट करने वाला पैदा हुआ नहीं है भाई, हुआ था पंच लेकिन इस महीने पीछे हो गया। तो यही है वो 25 गाड़ियां जो सबसे ज्यादा बिकी अप्रैल के महीने में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।